अभी गाड़ी चल रही है एक नंबर पे, ठीक है ना। ये अल्टो K10 छोटी स्विफ्ट है, इसके अंदर बहुत शानदार है, ये छोटी जगह में भी घुस जाती। तो मेरा कहने का मतलब है, हम आपको चैनल पे, हमारा जीतू डीजे शामगढ़ नाम से एक चैनल है यूट्यूब पर, भाई साहब आप इसको सर्च करना, आपको हमारे एक से एक बढ़िया प्रोग्राम मिले। अब मैं आपको गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ ना, तो अभी एक नंबर पे गाड़ी चल रही है, ठीक है। अब इसको पहले क्या करेंगे, फिर क्लच दबाएंगे, ये ऐसे कैसे, ये दो नंबर, यानी दो नंबर का मतलब है सेकंड। आपने को आप तो इतने चलाने काम नहीं पड़ा ना, ये सेकंड। अब अगर आपको तीन नंबर लेना हो, तीन नंबर, तो इसको हाथ वाली क्या करो, ये न्यूट्रल करा, ऐसे क्यों आ जाओ, ये तीसरे नंबर का गियर अपने को लगा। अब तीसरे नंबर चल, अब ये तीन नंबर पर अपनी गाड़ी चल रही है, कौन सी, अब तीन नंबर पर जो चल रही है ना, ये 30 नंबर की स्पीड है, ठीक है ना। अब 30 नंबर से स्पीड ऊपर जाएगी, अगर 40 पे अगर आएगी, कितने पे, 40 पे, जब 40 पे आएगी ना, तभी इसको चौथे नंबर पे लेना, उसके पहले मत लेना। ये चौथे पे ही 40, तो अब चौथे पे अब ले, ताकि वो झटके नहीं खाएगी, इंजन ख़राब नहीं होगा, बिगड़ा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। अब ये 40 पे चल रही है ना चौथा, ठीक है ना। अगर आप इसको पाँचवें पे लोगे तो ये 50 के आसपास पहुँची नहीं, ये पाँचवा ये ली, अब ये पाँचवें पे चल रही है, ठीक है ना। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है ना, तो गाड़ी अगर आप चला रहे हो ना, तो आप स्टीयरिंग है ना एकदम कस के नहीं पकड़ना, यूँ इसको ना ढीला डाला पकड़ो, कि ताकत से नहीं चलती गाड़ी, एकदम ढीली डाली चलेगी। अब जैसे कि मान लो कि आप चल रही है बिल्कुल इशारे पे, ये अल्टो K10 गाड़ी ना बहुत सुंदर और सुहानी है, मैंने इस गाड़ी को खरीदी ना, जब से मैं बहुत आनंद में हूँ। अब ये चल रही है पाँचवें में, अगर अपने को इस गाड़ी को अगर रोकना है, ये क्लच दबाना पड़ेगा, क्या दबाना पड़ेगा, ये क्लच दबा के फिर ब्रेक धीरे धीरे दबाओ, इसको हाथ दुआ न्यूट्रल जाओ, ठीक है, ये दबाए, ये दबा के न्यूट्रल हो गया। अब उन्होंने गाड़ी ये खड़ी करी, ये ब्रेक दबा दी। अगर अपने को इस गाड़ी को खड़ी करना, रोकना है, उतरना है, तो आप क्या करना, पहले सबसे पहले ब्रेक दबाना, ये हैंड ब्रेक बोलते हैं, आप हैंड ब्रेक दबा के तभी आप इसको उतरना, बंद करना, हैंड ब्रेक दबा के आपने ये गाड़ी बंद करना, उसके पहले गाड़ी बंद नहीं करना। तो ये आपने चाबी जेब में रखना हाथ में, उसके बाद में यहाँ से बाहर निकलना, उसके पहले बाहर नहीं निकलना आपको, ठीक है ना। तो अब आपको स्टार्ट करना, फिर बताता हूँ, ये चाबी ये, ठीक है ना। अब ये ब्रेक लगा हुआ ना, ये अब स्टार्ट हो जाएगा। ये जो लाल बत्ती चली ना, तो ये क्या मालूम है, ब्रेक। तो ब्रेक आप ना इसको दबाओ ना, तो पहले आप यहाँ ब्रेक पे रखना, ब्रेक पे, नहीं तो गाड़ी आगे पीछे चली जाएगी। आप इसको दबाओ, ये इसको दबाओगे यूँ, ये करा, फिर आप इसको गियर में लेके, फिर धीरे 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 चलने दो, बिल्कुल धीरे धीरे, ये धीरे धीरे चले ना, आ रहा ये फर्स्ट गियर, ठीक है सर। और गाड़ी कैसे चलाना, ये सेकंड, दूसरा। अब दो नंबर पे अगर गाड़ी चल रही है, तो अभी गाड़ी 20 पे है, तो 20 पे है ना। अगर 30 पे अगर आ जाएगी, किस पे, 30 पे अगर आएगी, तभी आप तीसरा गियर लेना, 30 पे आएगी तो तीसरा, और 40 पे आएगी तो चौथा, और 40 से ऊपर जाएगी तब आप पाँचवा गियर लगा, ठीक है। अब ये गाड़ी है ना, ये चल रही है, अब ये तीसरा गियर चल रहा है, अब ये चौथा आ गया ना। अब अपन गाड़ी चला रहे हैं, आप कभी भी गाड़ी चलाओ, तो एक ज़िंदगी में एक बात ध्यान रखना सर, ये इस गाड़ी को ये अपनी साइड है ना, इस साइड पर चलने देना, ये अपनी साइड पर चलने देना, आप इस गाड़ी को बीच में मत चलाना, इससे क्या एक्सीडेंट होता है, घटना घटती है। तो अपने किनारे नहीं छोड़ना, ये किनारे नहीं छोड़ना, कह रहा ना। अब वक्त सामने आ रहा, तो इसको हल्का सा इशारा कर रहा, ये दो बार आप हॉर्न बजा दोगे ना, तो इसको मालूम पड़ जाएगी गाड़ी आ रही। अब अगर को अपने को इससे आगे लेना है ना, तो ये आगे करो, ज़्यादा तेज गति में लेना, ये अभी छोटे पर चल रही गाड़ी, अपने किनारे पर चलना। आप गाड़ी आराम से चलाओगे, बहुत अच्छी चलेगी। ये ना अल्ट्रो K10 छोटी मिनी स्विफ्ट है, इस गाड़ी में बहुत सुहाना लगता है, ये कहीं भी छोटी मोटी जगह में घुस जाती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बहुत आनंदित है और परिवार में बैठने योग्य है। अब जैसे कि अपने डुम्बर आ गया, अगेन डुम्बर, तो इसको डायरेक्ट पहले से कर लो, या तो न्यूट्रल करो, नहीं ये फर्स्ट गियर कर, ये फर्स्ट गियर आपने किया, फिर धीरे चलाओ, ये है ना। अब जैसे कि 10 के बाद में ऊपर आ रहा है घंटा, ये 20 आ रहा है, 20 के आने के बाद में फिर सेकंड लेना, कैसे,
20 के आने बाद, 20 आ गया ना, अब तीसरा कब लेना, 30 पे आ जा, ये क्लच दबा के करना, क्लच पूरा दबाना, क्या करना, क्लच को आप पूरा दबाओगे तभी ये गाड़ी सही रहेगी, आप क्लच नहीं दबाओगे पूरा तो गियर भी नुकसान हो सकता है। जो रेस है ना, आपको गाड़ी है छोड़ना है, अब आपको छोड़ना गाड़ी को रोकना है, तो पहले से आप क्लच पे से पैर हटा दो, क्लच पे से पैर हटा के ना ब्रेक के ऊपर, ब्रेक के ऊपर अपन पैर रख देंगे ना तो गाड़ी अपन संभाल सकती है, अगर आप रेस पे पैर दोगे तो आप उस गाड़ी को संभाल नहीं सकते। अभी तीसरे पे चल रही है, 30 पे घटा है ना, ये 30 पे, अगर 40 के आसपास आ जाएगा ना तो आप चौथा दबाना, अब ठीक है, ये स्टीयरिंग को आप है ना बिल्कुल इशारे पे चलाना, ये बिल्कुल पावर विंडो है, इतनी बढ़िया गाड़ी है ये ऑटो के 10, मैंने बहुत गाड़ियाँ चलाई मगर इस गाड़ी को चलाने के बाद मुझे लगा कि वाकई में बहुत कायदे की गाड़ी, ये छोटे मोटे गड्ढे तो मच्छर इसके सामने, ये पता नहीं चल, एवरेज भी बहुत जोरदार, इतना बढ़िया एवरेज देती गाड़ी है तो आप खुद कहोगे वाकई में क्या गाड़ी है, ये देखो बहुत शानदार इशारे पर चलती है, ये चौड़ी गाड़ी नहीं है और शॉर्टकट में बनी, अब चौथे पे तीसरे पे चल रही चली ना, अब देखो तीसरे नंबर पे काटे, ये जब भीड़ आ रही है तो अपने को ज़्यादा भगाना नहीं, भीड़ भावे ना तो अपन ज़्यादा भगाएंगे तो गाड़ी कंट्रोल में नहीं होगी, अब अपने को तीसरे पे चल रही, अब अपने का अब ये जब टर्न आता है ना, टर्न इस पर धीरे करो, टर्न पे धीरे करो, धीरे टर्न आ गया ना, अब धीरे करो, तेज गति से कभी गाड़ी को मुड़ाना नहीं और धीरे धीरे चलाना, कुछ भी ऐसा लगे अपने को भीड़ आ रही है तो पहले से धीरे 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 रोक दो, अब ये सामने आ गया ये भैंस से आ रही है, ये भैंस से पे भरोसा कभी नहीं करना, ये ना पशु है, पशु के सामने की जो जानवर होते हैं ना, हमारे गुरुजी ने कह रखा जानवर के मुंह के आगे से कभी नहीं निकलना, पीछे से निकलना, अब जैसे भैंस है, अब ये मर्जी की मालिक, अब मैंने तुरंत न्यूट्रल करके ये फर्स्ट कर दिया, क्या कर दिया फर्स्ट, अब इसको ना घंटी भी कैसे बजाना धीरे धीरे, अब वो भाई साहब आ रहे ना इनको जगह दे दो, ये ऐसे हॉर्न बजाते रहो धीरे धीरे, ये धीरे राम राम काका जी, धीरे धीरे हॉर्न बजा, ये इनका जिधर मुंह होता ना उधर मुंह की तरफ से नहीं निकलना, अब जिधर टर्न आया इस टर्न में बिल्कुल धीरे 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 यूँ मोड़ो, स्पीड कम रख के तेज गति में कभी भी गाड़ी को टर्न नहीं देना, अपन जिस आ रहे ना ये भाई खतरनाक एरिया, अब जैसे अपने फिर तीसरा अभी फिर चौथा ये ले लिया हमने, अब जैसे कोई गड्ढे पड्ढे आते ना छोटे मोटे गड्ढे तो मालूम ही नहीं पड़ते, ये अल्ट्रो के 10 गाड़ी की विशेषता है, छोटे मोटे गड्ढे मालूम ही नहीं पड़ते, अब जैसे चलती ना गाड़ी बिल्कुल रेलवे जैसे गाड़ी चलती, देखो ये अब जैसे जो आदमी सामने आ जाता है, अब ये 4 नंबर पर चल रही है चौथे गियर पे, ये 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 आप इसे हार्न को बजाते रहो, हमारे गुरुजी ने एक बात और बताई है, सामने का रास्ता अपने को सही नहीं है नज़र नहीं आता है तो वहाँ गाड़ी आप धीरे लो, जैसे अभी सामने रास्ता नज़र नहीं आ रहा ना तो अपने को तेज नहीं लेना क्योंकि उधर से भी गाड़ी आती है ना, अब जैसे टर्न है ये नज़र नहीं आ रहा तो अपने को धीरे लो, इस गाड़ी को धीरे लेके अपने किनार पे आ जाओ, वो उसकी साइड निकल जाएगा अपन देगा, यार ना भाई साहब अगर इस गाड़ी को अगर मैं यहाँ पे रखता यहाँ पे तो एक्सीडेंट होता ही नहीं होता, वो अपने कुछ जाता बेचारा वो एक्सीडेंट में बेमौत मर जाता, इसलिए अपनी साइड नहीं छोड़ना, गाड़ी चलाने का ये नियम है धीरे चलाओ गाड़ी आराम से तो अपनी ज़िंदगी को आराम मिलेगा, अब जैसे अपन चला रहे ना ये धीरे 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 धीरे, अब ये गाड़ी चौथे नंबर पर चल रही है, अब धीरे धीरे इसकी रेंज बढ़ाओ, अब इन्हें ना को गाड़ी को रोकना है धीरे धीरे, अब इसका क्लच दबाओ ये धीरे धीरे ब्रेक लगाओ, ये धीरे धीरे ब्रेक लगा दिया ठीक है, ये हाथ हुआ इसको रोक के ये रिवर्स करना हो ना पीछे तो ये रिवर्स, ये देखो गाड़ी को ना पूरा क्लच दबाना, क्लच को पूरा दबा के करना, ये क्लच दबा के ये अगर जैसे अपन रिवर्स ले रहे हैं पीछे ले रहे ना तो पीछे जब रिवर्स लो ना पहले पीछे देखो कांच में देखो इधर देखो उधर देखो उसको देखने के बाद फिर पीछे रिवर्स लो, जल्दी में रिवर्स नहीं लेना, अब जैसे अपन रिवर्स ले रहे देखो यारी पीछे गाड़ी देख लो और गाड़ी मोटरसाइकिल वाला आ रहा धीरे 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 लो ना, कभी भी रिवर्स लो तो धीरे धीरे लो धीरे धीरे यारी ना रिवर्स या धीरे धीरे या धीरे धीरे लेना, अगर अपने को रोकना है तो तुरंत क्लच पूरा क्लच दबाना फिर ब्रेक फिर दबाना, अब इसको अपना फर्स्ट लेना ये न्यूट्रल ये फर्स्ट ठीक है, अब फर्स्ट पर गाड़ी चल रही ये चलिए ये फर्स्ट ये गाड़ी चल गाड़ी चलाना शुरू समझ में आ गया आपको आगे ना, अब आपको मैं गाड़ी चलाना देखूँ
अब जैसे कि इसमें लाइट भी है, ये हॉर्न भी है, है ना, ये हॉर्न का बीच में ये इसमें लाइट का है कि अपन उन्होंने इसमें ये लाइट क्यों दबाएंगे, ये दबा देना, ये लाइट चालू होगी। अब इसको ऊपर नीचे अपन दबाएंगे तो छोटी पास होती, क्या होती, छोटी पास। अगर कोई मोटरसाइकिल वाला गाड़ी वाला आता ना तो अपने को इसको लाइट पास में कर दो, लाइट पर, हाँ इसको अपने को पास में कर दो, ताकि वो क्या उसको नज़र आँखों में पड़ेगी नहीं तो वो एक्सीडेंट नहीं होगा। फिर वो निकल जाना तो उसको दूर कर दो, फिर लाइट भी चली जाएगी। रात के टाइम पे कभी भी गाड़ी लिमिट में चलाओ, लिमिट में गाड़ी चलेगी ना तो अपने को क्या फोड़े नहीं पड़ेंगे, ना अपनी साइड नहीं छोड़ना, बस इधर रखना। अब ये ना चौथा क्या चल रहा, अब ये पाँचवा, ठीक है, अब चूरा आएगा धीरे कर देंगे। ये अल्ट्रो के 10 गाड़ी का वाकई में जानदार गाड़ी है। अब इस गाड़ी को आप चलाना, अब आपको देता हूँ जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, मैं आपको है ना, मेरे पिताजी ने मेरे को इस घट में दया दे रखी है, दूसरे को ज्ञान बांटो, शिक्षा दो, कुछ ना कुछ अपने को भगवान देखता है। अब इसको अगर रोकना है ना तो कलच दबा के धीरे धीरे ब्रेक लगाओ, रोड पे नहीं रोकना, रोड पे गाड़ी नहीं रोकना, एकदम नीचे नीचे रोको, ये हाथ तो बाद कलच लगाओ, ये सेकंड नहीं होगा करके ये फर्स्ट, ठीक है, ये गियर में रोको। अगर आप उन्होंने बंद करी ना तो आप क्या करना, फिर उतरना, ये ब्रेक लगाना, लग गया ना। अब इसको ये चाबी, ये न्यूट्रल होता है, पहले इसका हैंड ब्रेक लगाओ, हैंड ब्रेक लगने के बाद में ही गाड़ी सही रही, ठीक है। अब आपको है ना, अब आप चलाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ इधर आओ इधर आओ, लो गाड़ी सिखाएंगे अब अभी, चलो ये गाड़ी, ठीक है, दो मिनट है ना, तो तीन मिनट चल जाए, मैं अपने खीरे हैं, बंद कर दिया।